चाणक्य IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये टॉपिक बहुत ही चर्चा में बना हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFA और उसके 8 सहयोगी संगठनों को UAPA के तहत गैर कानूनी संगठित घोषित करते हुए 5 साल के लिए बैन किया है। आतंकी फंडिंग व अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हाल ही में NIA और तमाम राज्यों की एजेंसियों ने PFI के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसमें 250 से अधिक सदस्यों को हिरासत में भी लिया गया। पिछले करीब 3 दशक में देश में बने ज़्यादातर मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन दक्षिण भारत से ही निकले हैं। 2006 में बने PFI की स्थापना भी केरल में ही हुई थी। अब हम बात करेंगे PFI के बारे में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल थे। PFI का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद PFI का विस्तार तेजी से हुआ है। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफ़ी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं भी हैं। गठन के बाद से ही PFI पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहे हैं। PFI को फंड कैसे मिलता है? पिछले साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने PFI और इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया था और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। ED की जांच में पता चला था कि PFI का राष्ट्रीय महासचिव KA रऊफ गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में PFI के लिए फंड इकट्ठा करता था। ये पैसे अलग अलग जरिए से PFI और CFI से जुड़े लोगों तक पहुँचाए गए। इस तरह का समझौता आमतौर पर तब खत्म हो जाता है जब कोई कंपनी अपने वादे को तोड़कर समझौते में शामिल कर्मचारी को नौकरी देती है। जांच एजेंसी के अनुसार लगभग 1.36 करोड़ रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई है। इसका एक हिस्सा भारत में PFI और CFI की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया है। CAA के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन, दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में भी इस पैसे के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। PFI द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि भारत में PFI तक हवाला के जरिए पैसा आता है। संगठन पर क्या क्या आरोप लगे हैं? तो PFI एक कट्टरपंथी संगठन बताया जाता है। 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। NIA जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात कहता आया है। NIA के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम भी करता है। NIA ने PFI पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, यह संगठन युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी उकसाता है। प्रधानमंत्री भी इनके टारगेट रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक और खुलासा भी किया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि इस साल जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में PFI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करने की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था और कई सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम किया गया था। इतना ही नहीं, वित्त पोषण के लिए कई विदेशी ताकतों के संपर्क में ये लोग थे।
पीएम मोदी के हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केवल पीएम मोदी पर ही हमले नहीं बल्कि पीएफआई अन्य हमलों के लिए भी टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था। क्या पीएफआई ने कभी चुनावी राजनीति में हिस्सा लिया है? तो पीएफआई खुद को सामाजिक संगठन कहता है। इस संगठन ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ तक कि इस संगठन के सदस्यों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है। इस वजह से किसी अपराध में इस संगठन का नाम आता है तो भी कानूनी एजेंसियों के लिए इस संगठन पर नकेल कसना मुश्किल होता है। 21 जून 2009 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक संगठन बना। इस संगठन को पीएफआई से जुड़ा हुआ बताया गया है। कहा गया है कि एसडीपीआई के लिए जमीन पर जो कार्यकर्ता काम करते थे वो पीएफआई से जुड़े लोग ही थे। 13 अप्रैल 2010 को चुनाव आयोग ने इसे रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा दिया था। अब अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो कर्नाटक के मुस्लिम बहुल इलाकों में ये एसडीपीआई सक्रिय रही है। खास तौर पर दक्षिण तटीय कन्नड़ और उडुपी में इस पार्टी का प्रभाव देखा गया है। इन इलाकों में इस संगठन ने स्थानीय निकाय चुनावों में सफलता भी हासिल की है। 2013 तक एसडीपीआई ने कर्नाटक में कुछ स्थानीय निकाय के चुनाव लड़े हैं, उनमें उसे करीब 21 सीटों पर जीत भी मिली है। 2018 में उसे 121 स्थानीय निकाय की सीटों पर जीत मिली थी। 2021 में उसने उडुपी जिले के 3 स्थानीय निकायों पर कब्जा जमाया था। अगर हम बात करें कि क्या पीएफआई और सिमी में कोई संबंध है तो अक्सर पीएफआई को सिमी का ही बदला हुआ रूप कहा जाता है। दरअसल 1977 से देश में सक्रिय सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। सिमी पर प्रतिबंध लगने के चंद महीनों के बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि इस संगठन की कार्यप्रणाली भी सिमी जैसी ही है। 2012 से ही अलग अलग मौकों पर इस संगठन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। कई बार इसे बैन करने की भी मांग हो चुकी है। इस प्रकार हमने इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी पे बात कर ली है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप तब तक हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.